الله الرحمن الرحيم और बुनियादी सवाल है कि तेरा रब कौन है।
जिंदगी में रब की पहचान बहुत जरूरी है, अल्लाह की मारिफत बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप देखो दुनिया के अंदर कैसा ड्रामा हो रहा है। जिन्होंने अल्लाह को नहीं जाना, जिन्होंने अल्लाह को नहीं पहचाना, जिन्होंने अपने खालिक और मालिक और राजिक और हाकिम मुदब्बिर को नहीं जाना, जिन्होंने अपने रहमान और रहीम को नहीं जाना, आप देखें कैसे वो पत्थर के पुजारी बन गए, वो दरख्तों के पुजारी बन गए, वो शैतान के पुजारी बन गए। लिहाजा सबसे पहला और बुनियादी काम मुझे और आपको ये करना है कि हम खुद भी अल्लाह को जाने और अपनी औलाद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात और एहसानात किए, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी, सोचने के लिए अक्ल और फिक्र अता की, अल्लाह ने तुम्हारे बाजुओं में ताकत अता की, अल्लाह ने तुम्हें सेहतमंद रखा, दुनिया की तमाम जरूरियात अल्लाह ने तुम्हारी पूरी की। लेकिन अल्लाह ने कहा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह ने तो इन पर एहसान किया है लेकिन बंदों ने अल्लाह के हक को नहीं जाना, बंदों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत को नहीं पहचाना, लोगों ने नहीं जाना अल्लाह कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उसके क्या एहसानात है, अल्लाह के हम पर क्या हुकूक है, लोगों ने ये नहीं जाना। तो सबसे पहले मुझे और आपको जिस बात को जानना और पहचानना है वो है हमारे अकीदे की इस्लाह। पहले अकीदे तौहीद को जानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानो कि मेरा रब कौन है। मेरा रब वो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था जब नमरूद ने कहा कि ये जिस रब के बारे में तुम, जिस रब की तरफ तुम दावत देते हो इब्राहिम, ये रब कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जब मैं मरीज हो जाता हूं तो मुझे शिफा देता है, मेरा रब वो है जब मैं भूखा रहता हूं तो मुझे खिलाता है, मेरा रब वो है जब मैं प्यासा हो जाता हूं तो मुझे पिलाता है, मेरा रब वो है जिसने मुझे जिंदगी दी और मेरा वही रब है जो मुझसे मेरी रूह को कब्ज करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के अलावा किसी और के अख्तियार में नहीं है, नफा और नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा तुम्हें कोई नहीं पहुंचा सकता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बहुत कम सिन थे, बहुत कम उम्र के थे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या गुलाम अला उअल्लिमुका बिकलिमात, ऐ बच्चे क्या मैं तुझे चंद कलिमात ना सिखा दूं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल बताए। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इदस्तअन्त फस्तअन बिल्लाह, अगर जिंदगी में मदद मांगनी है गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना है, किसी बाबा और पीर से मदद नहीं मांगना है, अपनी हाजतों को रखना है। अगर तुम्हारा कोई मुश्किल कुशा है वही इदस्तअन्त फस्तअन बिल्लाह, मदद तुझे तलब करनी है तो अल्लाह से मदद तलब करना। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, और सुन अगर हाथ फैलाना है, अगर मांगना है, सवाल करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से सवाल करना। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ताकीद और वजाहत करते हुए कहा और इब्ने अब्बास सुनो इस बात को, सारी दुनिया इस बात पर इत्तेफाक कर ले कि तुझे फायदा पहुंचाना है तो ये बात याद रख, तुझे उतना ही फायदा मिलेगा जितना फायदा अल्लाह ने तेरे नसीब में लिखा है। और याद रख सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, सब साजिशें कर ले कि वो तुझे नुकसान पहुंचाए तो याद रख तुझे उतनी ही तकलीफ होगी, इतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना नुकसान अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है। अल्लाह को पहचानो। और मैं अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, मर्दो ख्वातीन जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है,
मैंने ख्वातीन को खुसूसी तौर पर इसलिए मुखातब किया क्योंकि मर्दों से ज्यादा अकीदे की कमजोरी हमारी ख्वातीन के अंदर पाई जाती है। अकीदे का बिगाड़ हमारी ख्वातीन में मर्दों के मुकाबले में ज्यादा पाया जाता है। मामूली सी मुसीबत आ जाए हमारी घर की औरतें घबरा जाती है। तरह तरह के तफक्कुरात, अलग अलग किस्म के ख्यालात, पता नहीं किसने जादू कर दिया, पता नहीं क्या सेब का असर है, फुलाने हमारे खिलाफ ये किया वो किया। याद रखें अल्लाह है। अगर कोई परेशानी है उन मुसीबतों को टालने वाला, तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। और यही बात कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाई, कहा وقال ربكم ادعوني استجب لكم। अल्लाह ने कहा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह से मांगने के लिए किसी तवस्सुत की जरूरत नहीं है, किसी वसीले और जरिए की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम मुझसे सीधे मांगो, मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दूंगा। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इस बात की तरफ रहनुमाई की, कहा कि मेरे बंदे पूछते हैं मैं कहां हूं। अल्लाह ने कहा वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवत अद्दाई इदा दआन। ऐ नबी, ये बंदे आकर के पूछते हैं मैं कहां हूं, मेरे बंदों को जवाब दे दो, फइन्नी करीब के मैं करीब। उजीबु दअवत अद्दा, हर पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूं, हर मांगने वाले को मैं अता करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हर रोज हर दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर नुज़ूल करता है, आखिरी आसमान पर अल्लाह ताला का नुज़ूल होता है। और अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त में अपने बंदों को यह मुनादी और आवाज देता है कोई सवाल करने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई पूछने वाला मैं उसे नवाजूं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारी दुआ की कबूलियत का वक्त है। बहुत से लोगों को शिकवा शिकायत होती है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। प्यारे रसूल ने कहा तहज्जुद के वक्त में उठ करके नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता है। अल्लाह की मारिफत ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अल्लाह की पहचान ये सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखो तमाम हाजतों को निपटाने वाला, तमाम मुसीबतों को हल करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी और दरबार पे जाकर के सजदा रेज होने की जरूरत नहीं। ये मस्जिद, जिस मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन में कुरान करीम में जिक्र फरमाया वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, लिहाजा जब तुम अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना बनाओ, अल्लाह के साथ किसी और को साझी ना बनाओ, किसी और को पार्टनर ना बनाओ। आप सीधे अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए काफी है। तो हमें जिंदगी में जिस चीज की तैयारी करनी है वो है रब की पहचान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान। हमारी नमाजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए, हमारे रोजे अल्लाह के लिए होने चाहिए, हमारा हज व उमरा अल्लाह के लिए होना चाहिए, हमारे सदके व खैरात अल्लाह के लिए होना चाहिए। आपका यहाँ बैठना अल्लाह के लिए हो, जिम्मेदारान का यहाँ आना अल्लाह के लिए हो, मेरा बहसियत खतीब और दाई के आपको मुखातब करना अल्लाह के लिए हो। इसी वास्ते अल्लाह ने कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप ऐलान कर दे मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए। और याद रखें आप जो दीनी काम कर रहे हैं, आपका जो भी अमल है, चाहे वो जिम्मेदारान हो, उलमा हो, या आने वाले हो, मर्द और खवातीन है, जो कोई भी है, अगर आपके अमल में इखलास नहीं होगा आपका अमल अपाहिज हो जाएगा। आपके अमल की अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई हैसियत और वकात नहीं रहेगी। लिहाजा आपके तमाम अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होने चाहिए। अभी हम कुर्बानी के दौर से करीब गुजरे हैं,
कुर्बानी का क्या पैगाम था, ईदुल अज़हा का क्या पैगाम था आपने सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। ऐ लोगों, जिस जानवर को तुम ज़बह करते हो उसका खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, उसका गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता। अगर अल्लाह तक पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का खुलूस पहुंचता है, तुम्हारे दिलों के इरादे पहुंचते हैं, तुम्हारी नीयतें अल्लाह तक पहुंचती है। लिहाजा हमारे हर अमल के अंदर इखलास होना चाहिए, हमारा हर अमल अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशरोजी को हासिल करने के लिए होना चाहिए। एक शौहर अपने घर वाली की जिम्मेदारियों को पूरा करे, उसके नाम और नफा को उठाए और अपने अहलो अयाल का ख्याल करे, इस वजह से क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के हुकूक को अदा नहीं करूंगा, उन पर जुल्म और ज़्यादती करूंगा, अल्लाह मेरी पकड़ करेगा। और अगर एक बीवी अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करे तो उसे भी इस बात पर ईमान होना चाहिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि शौहर ये रब्बे मजाजी होता है, ये शौहर नान और नफका का जिम्मेदार होता है। लिहाजा मैं अपने शौहर की इताअत करो, अपने शौहर की फरमाबरदारी करो, उसके माल की हिफाजत करो, उसके बच्चों की तरबियत करो। अगर मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाएगा। ये हमारे तमाम अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजामंदी के लिए। लिहाजा कब्र में पूछा जाने वाला ये सबसे पहला सवाल अल्लाह की पहचान, अल्लाह को पहचानो और अपनी आलो औलाद की, अपने बच्चों की तरबियत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत पर करो। आगे बढ़ते हैं, मलाइका कब्र में मदफून उस शख्स से जो दूसरा सवाल करते हैं मन नबीयुक, जैसे कि मुझसे पहले पेशरो मुकर्रम ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े इमाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए और आपके लिए उस्वा है, नमूना है, आइडियल है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कोई शख्स चाहता है वो कामयाब हो जाए, किसी सेलिब्रिटी को, किसी बड़े लीडर को, दुनिया के किसी बिजनेसमैन को, दुनिया के किसी मशहूर मारूफ शख्सियत को, किसी पर्सनालिटी को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है, किसी हिस्टोरियन को, किसी रेवोल्यूशन लाने वाले किसी शख्स को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है, किसी साइंटिस्ट को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा और नमूना है, अल्लाह के रसूल सफर में भी तुम्हारे लिए नमूना है, अल्लाह के रसूल हजर में भी तुम्हारे लिए नमूना है, अल्लाह के रसूल घर में भी तुम्हारे लिए नमूना है, अल्लाह के रसूल घर के बाहर भी तुम्हारे लिए नमूना। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ, आपके बताए हुए इरशादात और फरमूदात, आपकी बताई हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम कामयाब हो जाओगे। बहुत से लोग थे मदीना के अंदर जो ये दावा कर रहे थे, जो ये दावा कर रहे थे कि हम तो सुलेमान की औलाद से हैं अलैहिस्सलाम, हम तो दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, हम तो अल्लाह के बेटे हैं। नऊज़ु बिल्लाह, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहू, कहने लगे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह ताला के हम महबूब हैं। अगर अल्लाह हमें जहन्नम में डाल भी देगा तो चंद दिन भी अल्लाह जहन्नम में रखेगा, उसके बाद अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल लेगा, ऐसे दावे कर रहे थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की इस आयत को नाज़िल किया। आयत क्या थी? कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। एक ही आयत में इनका जो दावा था उसके ऊपर रद्द किया गया और जिंदगी भर के लिए अल्लाह ने रहनुमाई कर दी। कहा कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह के चहीते हो, अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारा ये दावा है तो ऐ नबी आप ऐलान कर दें, चाहे दुनिया का यहूदी हो, दुनिया का ईसाई हो, दुनिया का गैर मुस्लिम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसके लिए ये लाजिम है फत्तबिउनी कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा व पैरवी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर बने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ के किसी और को फॉलो करेगा, ऐसा शख्स कामयाब नहीं हो सकता। ये जवाब दिया गया कुरान करीम में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी और आपकी रहनुमाई की है, अगर कामयाब होना है, दुनिया बनाना है, दुनिया संवारना है, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मनहज और तरीके को अपनी जिंदगी में नाफिस करो। तुम्हारे चेहरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जैसा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास था, जो इस्लामी लिबास था, वैसे तुम्हारा लिबास होना चाहिए। तुम्हारी शक्ल और सूरत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मैल खाने वाली हो, उसके मुताबिक हो, उसके मुवाफिक हो। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा ओढ़ना, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे लेन देन, तुम्हारे मामला, जिंदगी के हर मरहले में, जिंदगी के हर शोबे में तुम अगर इक्तदा करोगे, अगर किसी को फॉलो करोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाहिद, ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए कामिल उस्वा और नमूना है। चूंकि मैं यहां पर पहुंचा तो एक बुनियादी बात, जैसे मुझसे पहले आलिम दीन ने भी आपको बहुत ज्यादा ताकीद की, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज के बड़े फजाइल हैं मेरे भाइयों, एक वाकया आपके सामने रखता चलो। मिस्र के एक आलिम है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लग जाता है, वो बंदा जिसको नमाजों से मोहब्बत हो जाती है, अगर वो एक नमाज भी छोड़ दे तो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका दिल मस्जिद से मुअल्लक है, मस्जिद से लगा हुआ है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, याद रखो लोग सुकून की तलाश में है, कोई गाने सुन करके सुकून तलाश कर रहा है, कोई सिनेमा के जरिए सुकून तलाश कर रहा है, कोई दुनिया में सैर तफरीह टूरिज्म के नाम पे सुकून की तलाश में है, फुला फुला के पास जाकर तावीज गंडे के जरिए सुकून तलाश करना चाहता है। याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो ये सुकून और इत्मीनान अल्लाह की याद में रखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में रखा हुआ है, और अल्लाह की इबादतों में सबसे पहल, सबसे अहम, सबसे बुनियादी इबादत जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन सबसे पहले सवाल करेगा, वो यही नमाज की इबादत। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन अव्वल मा युहासब बिहिल अब्द यौम अल कियामति अस्सला। मर्दो खवातीन, ये बात जान ले कि सबसे पहले अल्लाह ताला कयामत के दिन जिस अमल के बारे में तुमसे पूछेगा, वो तुम्हारी नमाजों के बारे में सवाल होगा। क्या तुम नमाजों के पाबंद थे? क्या तुमने नमाजें वैसी पढ़ी जो शरीयत के उसूल थे, जो नबी का तरीका था? तो वाकया सुने, अल्लामा रशीद रज़ा मिस्र के एक बहुत जाने माने मुहक्किक और आलिम गुजरे हैं, उन्होंने सूरह यूनुस की तफसीर की। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर का भी नक्शा खींचा, क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान करीम में जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ आयतों में समंदर की बाज़ सिफात और बाज़ कैफियतों को जिक्र किया है। जैसे कुरान करीम में जिक्र किया गया, मरजल बहरैन यल्तकियान, समंदर में दो समंदर है, दो समंदर साथ हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, और आज साइंस ने उसे देखा, जो बात 1400 साल पहले कही गई वो आज साबित हो गई, दुनिया ने जाना उस चीज को। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, समंदर में अल्लाह ने खजाने रखे हैं, लूलू वल मरजान है, हीरे जवाहरात है। वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा समंदर की तारीकी के बारे में, ज़ुलमातुन बा'दुहा फ़ौक़ा बा'द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा समंदर बड़ा तारीक होता है। अल्लामा रशीद रज़ा कहते हैं कि एक इंग्लिस्तान का एक ब्रिटिश इंग्लिश अंग्रेज जिसको कहते हैं, एक बहरी जहाज का कप्तान था, वो कप्तान, उसकी जिंदगी समंदरी सफर में गुजरी, चुनांचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बहरी जहाज थे उन पर वो कप्तान था। एक मरतबा हुआ ये कि मुंबई के बांद्रा साहिल पर वो वहां पहुंचा, तो वहां पर एक आलिम दीन से मुलाकात हो गई। आलिम दीन ने अंग्रेजी जुबान में कुरान करीम का तर्जुमा उस कप्तान को दिया। अब वो जब भी समंदरी सफर पर होता तो कुरान करीम उनको बहुत गौर से मुताला करता कि देखे कि आखिर
दुनिया के इतने लोग इस किताब को फॉलो करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से हकायक हैं? क्योंकि उसका तजुर्बा समंदर में था, समंदर की जिन आयतों पर पहुंचता बड़ा ताज्जुब होता, बड़ी हैरत होती उसको कि इतनी सच्ची बातें कुरान करीम में आज से 1400 साल पहले लिख दी गई, बयान कर दी गई। और जब उसका सफर हुआ और दोबारा वो मुंबई के उस साहिल पर पहुंचा, दोबारा आलिम दीन से मुलाकात हुई, तो कहने लगा कि तुम्हारे नबी मोहम्मद ने जो किताब लिखी है, कुरान जो किताब लिखी है, मुझे लगता है उन्होंने काफी मर्तबा समंदर का सफर किया होगा मोहम्मद ने, तभी जाकर के उन्होंने समंदर की ऐसी गहरी बातों को कुरान करीम के अंदर लिखा है। आलिम दीन ने जवाब दिया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में कभी भी आपने एक मर्तबा भी समंदरी सफर नहीं किया, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं लिखी, ये अल्लाह का कलाम है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये बात सुनना था उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जो बात समंदर की तारीकी के बारे में कही गई, समंदर बड़ा तारीक होता है, आदमी अगर बहरी जहाज में हो, समंदर की तारीकी हो, रात हो जाए, उसकी तारीकी इस कदर भयानक और खतरनाक होती है, आदमी अपना हाथ निकाल कर देखे तब भी उसे अपना हाथ नजर नहीं आता, समंदर रात के वक्त में इतना तारीक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये मौज पर मौज, तारीकी पर तारीकी, जुल्मात पर जुल्मात, ये ऐसे हकायक थे जिसको पढ़ करके वो मुशर्रफ भाई सलाम हुआ। अब सुनो, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे उसने इस्लाम कबूल किया, कहता है कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर सुकून मुझे किसी चीज में मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाजों में मिला। ये वक्त रहता समंदर में, ये जहाज चलता, नमाज का वक्त हो जाता, जिंदगी में सबसे ज्यादा लज्जत और मजा अगर मुझे किसी चीज में मिला, अल्लाह की इबादत में मिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करने में मिला, नमाजों में। ये बात याद रखें, हकीकी वाकया मैंने आपके सामने रखा। आपका दिल अगर अल्लाह से जुड़ जाए, आपका दिल मस्जिद से जुड़ जाए, अगर इस नमाज से जुड़ जाए, एक नमाज अगर आपकी छूट जाए कि ऐशा की, बिस्तर पर आप बेचैन हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, और जब आपको पता चलेगा इस बेचैनी का सबब यह है कि मुझसे ऐशा की नमाज छूट गई है, क्योंकि आपका ईमान कामिल होगा, आपका ईमान बढ़ जाएगा। चुनांचे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, वैसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। और इसी तरीके से जो आखिरी सवाल होगा कब्र के अंदर, मा दीनुक, कि तेरा दीन क्या है, बंदा जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम है क्या मतलब है? इस्लाम की तमाम तर तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज करो, ये इबादतों के साथ साथ तुम्हारे मुआमलात भी दुरुस्त होने चाहिए। लोगों ने क्या समझा, दीन मस्जिद के दरवाजों के हद तक महदूद है, मुसल्ले के हद तक महदूद है। मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम आपकी जिंदगी के हर शोबे में दाखिल है, आपका लेन देन उसमें भी दीन है। आप अगर सच्ची तिजारत करेंगे, अच्छी तिजारत करेंगे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला सच्चे ताजिरों को नूर के मिंबरों पर फाइज करेगा। आप कोई चीज फरोख्त कर रहे हैं, आप दूसरे को दगा नहीं करते, उसको चीटिंग नहीं करते, वो लेने वाला आपको धोखा नहीं दे रहा है, दोनों की नीयत सही है, लेन देन सही है, तिजारत सही है, मामलात सही है, झूठ नहीं है, उसमें किसी तरह का धोखा नहीं है, फरेब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे सच्चे ताजिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन नूर के मिंबरों पर फाइज करेगा। ये भी इस्लाम का हिस्सा है, ये भी दीन का हिस्सा है। आप अमानतदार होने चाहिए, आप सिद्क़ो सफ़ा का पैकर होने चाहिए, आपकी मिसाल लोगों के सामने रहे। जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का सादिक के नाम से जानते थे, अल्लाह के रसूल को अमीन के नाम से जानते थे, ये क्या थे, अल्लाह के रसूल के मामलात थे। आप तो अभी नबी नहीं बनाए गए थे,
नबुव्वत मिलने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमलात की सफाई, अल्लाह के रसूल अमानतदार थे, किसी से कुछ ले लिया अल्लाह के रसूल उसको लौटाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा खिलाफी नहीं करते थे। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, इन आला अखलाक के जेवर से खुद को आरास्ता करो। अबू जहल ने प्लान बनाया कि आज तो मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए और मक्का के बदमाशों को और जितने नौजवान थे उन सबको जमा कर लिया, अल्लाह के रसूल के घर का मुहासरा कर लिया। अल्लाह के रसूल ने अपने बिस्तर पर अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु लिटाया और कहा कि ऐ अली, अल्लाह के हुक्म से आज मक्का छोड़ के मैं मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। ऐ अली, मक्का के फुला फुला लोगों की अमानतें, उनका माल, उनका पैसा मेरे पास रखा हुआ है, फुला फुला की अमानत लौटा करके तुम भी वापस मदीने चले आ। दुनिया ऐसी मिसाल दे सकती है, दरवाजे के बाहर जो लोग आपके कत्ल का इरादा लेकर के बैठे हुए हैं और ये मोहम्मद अरबी है जो कत्ल का मंसूबा लेकर के बैठे हुए हैं, जो साजिश कर रहे हैं, अली रजी अल्लाह उनको नसीहत कर रहे हैं, फुला फुला की अमानत लौटा करके तुम वापस मदीना। दुनिया ऐसी मिसाल दे सकती है, दुनिया में अल्लाह के रसूल से बड़ा अमानतदार कोई हो सकता है? ये अमानतदारी हमें अपनाने की जरूरत है। और मेरे भाइयों, दीन के अंदर अखलाक भी शामिल है। बाद लोग समझते हैं नमाज, रोजा, जकात, हज बस ये इबादतें हैं, यही दीनदारी है। मेरे भाइयों, दीन का हिस्सा अच्छे अखलाक भी है। आप अपने बड़ों का एहतराम करें, बड़ों की इज्जत करें, अपने छोटों के साथ शफकत और नरमी का मामला करें, अपने घर की खवातीन के साथ अच्छा सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, अपने महल्ले के लोगों के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। और ये बात याद रखें, अभी हम लोग जब पहुंचे यहाँ करीब में, मस्जिद का रास्ता नहीं मालूम हो रहा था, तो हमने एक मासूम सी लड़की से पूछा, तो लड़की ने जवाब दिया मस्जिद तो यहाँ से काफी दूर है। हमने कहा कि लोकेशन में तो यहाँ करीब बता रहा, उसने कहा मस्जिद है लेकिन अहले हदीसों की मस्जिद है। ये जवाब मैंने सुना। मेरे भाइयों और मेरे सुनने वाले जितने लोग हैं सामईन, आप तमाम से मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहता है ये मस्जिद अहले हदीसों की है और अहले हदीस ही यहाँ नमाज पढ़ेगा तो वो अहले हदीस नहीं। ये बात आप याद रखें, ये मस्जिद तमाम मुसलमानों की है, तमाम मुसलमान इस मस्जिद में आए, ये मुसलमानों की मस्जिद है, यहाँ पर आए अपनी इबादतों को अंजाम दे। अपने जहन से ये गलत फिक्र निकाल लो, ये अहले हदीसों की मस्जिद है और अहले हदीस ही यहाँ नमाज अदा करेंगे। याद रखो, मस्जिद अहले हदीस के दरवाजे तमाम मुसलमानों के लिए खुले हुए हैं। आप देखेंगे दूसरे मकातिब फिक्र की मस्जिदों में लिखा हुआ होता है ये सुन्नी, हनफी, बरेलवी, सहरवर्दी, चिश्ती, फुला फुला इमाम के मनहज पर ये मस्जिद की बुनियादें रखी गई है, लेकिन इस तरीके की कोई प्लेट आप मस्जिद अहले हदीस में नहीं पाएंगे। ये तमाम मुसलमानों की मस्जिद है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर कोई हिंदू भाई भी हमारी मस्जिद में आकर के खुतबा सुनना चाहता है, बयान सुनना चाहता है, उसकी भी इज्जत की जाए, उसको भी बिठाया जाए ताकि वो भी अल्लाह और उसके रसूल का कलाम सुने। ये दीन है, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। हमें फिरका परस्ती को, ग्रुप बंदी को बढ़ावा नहीं देना है, मुसलमानों इत्तेहाद के साथ रहना है। अल्लाह ने कहा वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकु आपस में इख्तिलाफ ना करो, हनफी, शाफई, मालिकी, चिश्ती, सहरवर्दी, आ जाओ कुरान और सुन्नत की तरफ, आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल की ताअत और फरमाबरदारी की तरफ, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर सच्चे दिल से, सिद्क से अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में मैं जिले जमीयत अहले हदीस निर्मल और आदिलाबाद के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ के सवर्णा गाँव की मस्जिद के जिम्मेदारान, जमीयत के जिम्मेदारान और आप तमाम आए हुए अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुला करके कुछ दीन और सुन्नत, कुरान और सुन्नत की बातें पेश करने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकायद की इस्लाह फरमाए, हम तमाम को मुत्तबिए सुन्नत बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।